नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हमारी मध्य प्रदेश जीके की सीरीज चल रही है, उसके अंतर्गत हमने हमारा जो अनुसूचित जनजाति वाला जो टॉपिक है उसका एक पार्ट देखा था। उसमें हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में जो जनजातियां हैं वो कितने प्रतिशत पाई जाती है, कहाँ कहाँ किन जिलों में कैसी पाई जाती है, इनमें साक्षरता कितनी है, इनका लिंगानुपात कितना है, बहुत सारी जो चीजें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। आज के इस वीडियो में हम नई शुरुआत करने वाले हैं। नई शुरुआत यहाँ है कि जो भी जनजातियां थी, जितने भी मध्य प्रदेश में जनजातियां पाई जाती है, उनको हम आज मैप के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। साथ साथ जो भी जनजाति है उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है सारे हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने भील जनजाति के बारे में लिखा है, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा मैप देखते हैं। मैप में हमारा क्या एक ओवरव्यू बन जाएगा कि यहाँ यहाँ पे ये जनजाति पाई जाती है, तो उससे क्या हमको समझना आसान हो जाएगा। साथ साथ आपका जो जनजाति वाला वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट रहेगा वो फैक्टर के रूप में निकलेगा और वो सीधा सीधा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो हमारा जो जनजाति वाला टॉपिक है, तो जनजाति वाले में जो थोड़ा सा देखें कि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, जनजातियां पाई जाती है तो पूरे राज्य में जगह जगह यहाँ फैली हुई है। तो इनकी थोड़ी सी जब लोकेशन की बात करें अपन, तो जैसे आपकी भील जनजाति है, भील आपकी यहाँ पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाएगी, जो कि आपके यहाँ पे। तो भील जनजाति की कुछ उपजातियां हैं, जैसे कि भिलाला, पटेलिया, रथियास और बेगास। नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, भिलाला, पटेलिया, रथियास और बेगास, यहाँ जो है आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाएगी। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो धार, झाबुआ और निमाड़ के जो हमारे जिले हैं, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, यहाँ पे अलीराजपुर, यहाँ पे आपकी भील जनजाति आपको मिल जाएगी। और साथ में यहाँ जो भील जनजाति है, यहाँ हमारे राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। अगला आता है कोरकू, गोंड, बेगा और भरिया। कोरकू, गोंड, बेगा और भरिया, यहाँ जो जनजाति है हमारे मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में जो जिले हैं, अर्थात जैसे आपका छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, होशंगाबाद, ठीक है, इन जिलों में आपकी यहाँ जनजाति मिल जाएगी। कौन सी? कोरकू, गोंड, बेगा और भरिया। इसी तरह अगला देखें, कोल, उराव, पनिका और गोंड, यहाँ जो जनजाति है हमारे मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में देखें तो सीधी, सिंगरौली, सहडोल, उमरिया, ये जो जिले हैं यहाँ पे आपकी ये जनजाति मिल जाएगी। कोल, उराव, पनिका और गोंड हो जाएगा। गोंड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। आगे देखें, आपका जो मध्य प्रदेश का जो बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पे जनजातियां पाई जाएगी लेकिन बहुत कम, अर्थात अल्प हो जाएगी। जैसे आपका सीहोर, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आपकी जनजाति अल्प मात्रा में मिलने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें सहरिया और पारदी, ये जो दो जनजातियां हैं, यहाँ हमारे मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से या फिर उत्तर पश्चिमी की जब बात करें तो श्योपुर, मुरैना, ठीक है, भिंड, इसके बाद यहाँ आ जाएगा आपका शिवपुरी, इन जिलों में यहाँ पे आपकी ये मिल जाएगी सहरिया और पारदी। इसके अलावा देखें, आपका जो उत्तरी मध्य प्रदेश है ये वाला इलाका, यहाँ जनजाति के मामले में नगण्य, अर्थात यहाँ बहुत ही कम मात्रा में जनजाति आपको मिलने वाली है इस वाले इलाके में। तो ये तो हमने सिर्फ मैप के माध्यम से थोड़ा देख लिया कि यहाँ ये जनजाति पाई जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एक एक जनजाति को पूरा डिटेल में देखेंगे, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसी क्रम में हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले भील जनजाति से। तो भील जनजाति आपकी यहाँ हो गई, अर्थात पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, जैसे कि धार, झाबुआ, निमाड़ के अंतर्गत जो जिले शामिल है आपके, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, तो यहाँ पे आपकी भील जनजाति हो जाएगी। अब क्या होगा, भील जनजाति होने के साथ साथ ये जो जनजाति है इसका व्यवसाय, इसका मूल कौन सा है, अर्थात इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले भील। भील की बात करें तो यहाँ हमारे राज्य की सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी। साथ में इसके मूल की जब बात करें तो यहाँ प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके मूल की जब बात करें तो यहाँ प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट मूल की है, ठीक है, अर्थात जैसे ये जो मूल हो जाता है या फिर ये जाति वर्ग हो जाता है, तो उस जाति वर्ग में सभी लोगों में
समानता पाई जाती है, जैसे इनका कद हो जाएगा, इनका कलर हो जाएगा, तो वो सारी चीजें क्या इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इनका मूल क्या हो जाएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट हो जाएगा। इसके बाद जिले हमने देखे, जिले की जब बात करी थी, धार, झाबुआ, निमाड़, तो निमाड़ के अंतर्गत जो जिले शामिल थे जैसे खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, ये जो जिले थे आपके ये शामिल हो जाएंगे इसमें, अर्थात इन जिलों में आपकी भील जनजाति मिल जाएगी। अगला आता है, हम बार बार देख रहे हैं भील, भील ये जो हम जनजाति का नाम देखते, तो इसका अर्थ भी तो पता होना चाहिए। तो इसके जब अर्थ की बात करें तो भील का अर्थ होता है कमान। कमान की बात करें तो क्या होता है, यहाँ जो जनजाति है यहाँ अपने साथ धनुष को हमेशा रखती है, ठीक है, वो अगर देखें तो यहाँ धनुष भी होती है। तो भील जनजाति आपकी कमान, सॉरी भील का अर्थ हो गया कमान। अगला आता है उपजातियां। यहाँ जो भील जनजाति, हमने जब जनजाति पढ़ी थी तो थोड़ा सा हमने देखा था कि हमारे यहाँ पे जो जनजातियां पाई जाती वो 24 प्रकार की है, अर्थात 24 जनजातियां पाई जाती मुख्य रूप से, लेकिन इनकी उपजाति की बात करती थी तो 90 के आसपास हो रही थी। तो इसी प्रकार यहाँ जो भील जनजाति है इसकी भी कुछ उपजाति होगी। तो उपजातियों की जब बात करें तो भील, भिलाला, पटालिया, रथियास और बेगास, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा याद हो जाएगा आराम से। भील, भिलाला, पटालिया, रथियास और बेगास, यहां जो है ये सब ठीक है। भील, भिलाला, पटालिया, रथियास और बेगास, यहां आपकी भील जनजाति की उपजातियां हो जाएगी। आगे जब बात करें तो विवाह, हर जनजाति का अपना एक विवाह की एक पद्धति होती है, उनमें कुछ परंपराएं चलती है। जैसे कि अगर आपको पता हो तो भील जनजाति में अगर सबसे फेमस या फिर प्रसिद्ध एक जो परंपरा है भगोरिया, ठीक है, भगोरिया आर्ट होता है जो कि होली के टाइम पे आता है। तो इसी तरह अगर देखें तो इनमें विवाह का एक प्रकार होता है कि यहाँ समगोत्री विवाह इनमें नहीं होता, अर्थात अगर वर और वधु दोनों पक्ष के अगर गोत्र समान है तो इनके आपस में विवाह नहीं होते। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ कंप्लीट होता है कि इनमें समगोत्र विवाह वर्जित है, ठीक है। आगे बात करें विवाह की भगोरी, भगोरिया अपहरण पद्धति पाई जाती है, अर्थात इनमें विवाह का एक प्रकार होता है या अपनी पद्धति होती है भगोरिया। इसमें क्या होता है, हार्ट लगता है, इसमें वर और वधु या फिर लड़का लड़की दोनों शामिल होते हैं। तो अगर लड़का या लड़की को दोनों को आपस में एक दूसरे पसंद आ जाते हैं तो अगर वो लड़की जो है लड़के को गुलाल लगा के अगर चली जाती है तो यहाँ माना जाता है कि इन दोनों का रिश्ता कर सकते हैं। तो यहाँ इनकी भगोरिया पद्धति के अंतर्गत आता है। तो विवाह का एक प्रकार होगा इनमें भगोरिया, लेकिन इसके अलावा इनमें अन्य विवाह पद्धतियां भी पाई जाती है। तो वो देखें, भाई भाई, नातरा, घर जमाई, अर्थात इनमें एक तो भगोरिया हो गया विवाह का प्रकार या फिर उनके विवाह पद्धति का प्रकार हो गया। इसके अलावा और भी थी जैसे कि भाई भाई, नातरा और घर जमाई। अब आता है कि इनमें वधु शुल्क का प्रचलन है, अर्थात इनमें क्या होता है कि जो लड़की वाले होते हैं वहां लड़के वाले से पैसे लेते हैं। तो इनमें वधु शुल्क का प्रचलन है। इसके लिए क्या हुआ था कि दो आंदोलन चले थे, वो था एक तो सुरमादास और एक था गोविंदगिरी। तो सुरमादास और गोविंदगिरी आंदोलन के तहत यहाँ जो शुल्क है वो बहुत कम कर दिया गया है। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि इसमें वधु शुल्क का प्रचलन है या नहीं है, तो हम बता देंगे इसमें वधु शुल्क का प्रचलन है। लेकिन दो आंदोलन थे आपके सुरमादास और गोविंदगिरी, इन आंदोलन के तहत आपका ये जो वधु शुल्क है इसकी मात्रा या फिर इसकी राशि वो काफी कम कर दी गई। आगे देखें, भील जहां पे निवास करते हैं या फिर इनका एक जैसा इलाका रहता है, ये क्या करते हैं जगह जगह टापरी बना के रहते हैं या फिर जो घर बना के रहते हैं, तो 8-10 लोगों का जो सम्मिलित मकान होता है उसको बोलते हैं फालिया। क्या बोलते हैं, फालिया। तो देखें इनके निवास स्थान को फालिया कहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा आगे देखें तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति का जो मकान रहता है उसको कू कहते हैं। क्या बोलते हैं, कू। यहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनके निवास स्थान को फालिया कहते हैं और एक जो पर्टिकुलर व्यक्ति का मकान है उसको कू कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, इनके कुछ पर्व भी है। पर्व की जब बात करें तो वहां आता है आपका गल, भगोरिया, नबई,
चलवानी और यात्रा। अब याद करने में थोड़ा सा टफ लग रहा था, हम देखते हैं क्या होता है। गल नाम का कोई भी व्यक्ति होता है, उसने क्या हुआ एक या फिर महिला मान लेते कुछ भी इसको, तो इसने क्या हुआ कि एक लड़की थी अगली या फिर दूसरी एक लड़की थी, उससे बोला कि चल भगोरिया हाट की यात्रा देखने के लिए चलते हैं। इसने किसी अन्य लड़की से बोला कि चल चल भगोरिया हाट की यात्रा देखने के लिए चलते हैं, तो उसने बोला कि नहीं भाई। क्या बोला? कि नहीं भाई, कि मैं तो नहीं जा रही। थोड़ा सा याद रखने का तरीका है कि गल नाम की एक लड़की ने किसी अन्य लड़की से बोला कि चल भगोरिया हाट की यात्रा देखने के लिए चलते हैं, तो उसने बोला कि नहीं भाई। तो आपका तीनों कंप्लीट, सॉरी तीनों नहीं, सारे कंप्लीट हो गए, गल भगोरिया न भाई चलावनी और यात्रा। ठीक है, आगे देखिए पिथोरा। पिथोरा क्या होता है? दीवार के ऊपर इन जातियों में या फिर इन जनजातियों में दीवार के ऊपर चित्रकला की जाती है, तो उसको ये पिथोरा भित्ति के नाम से जानते हैं। तो इनमें जो पिथोरा जो है कि विश्व प्रसिद्ध चित्र है इनका, और इसके जो प्रमुख कलाकार है वो है आपके प्रेमा फालिया। क्या है? प्रेमा फालिया। भील जनजाति में पिथोरा इनकी प्रमुख चित्रकला है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, और इसके प्रमुख चित्रकार है वो है प्रेमा फालिया। अगला देखें इनका मकान क्यों होता है, देख चुके। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि कुछ भीलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया तो उनको तड़वी भील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तड़वी भील। और यहां जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में आया हुआ है। तो इस प्रकार हमने भील जनजाति को देखा, भील जनजाति किस मूल की है वहां देखा, किस जिले में पाई जाती है वहां देखा, इसकी उपजातियों के बारे में देखा, इनके प्रमुख पर्व देखे, इनके प्रमुख त्योहार देखे, विवाह पद्धतियां देखी। तो इस प्रकार भील जनजाति से रिलेटेड हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब अगला आता है गौंड जनजाति। क्या आते हैं? गौंड। तो जो गौंड है यहाँ मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति, थोड़ा सा मैप में देखे तो ये यहाँ पे छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, होशंगाबाद और कुछ यहाँ पे शहडोल में, उमरिया में, यहाँ पे आपकी गौंड जनजाति पाई जाएगी। इसके जब मूल की बात करेंगे तो यहाँ द्रविड़ियन है। क्या है? द्रविड़ियन। इसका मूल हो जाएगा द्रविड़ियन। आगे जब बात करें तो ये जो जनजाति है आपकी गौंड जनजाति, इसमें भी भील जनजाति की तरह समगोत्री विवाह वर्जित है, अर्थात इसमें भी समान गोत्र में विवाह नहीं होते। इसके अलावा इनमें भी विवाह के कुछ प्रकार है। तो विवाह के जब देखें तो दूध लोटावा, पड़ोनी, चढ़ विवाह, लमसेना विवाह, यहां जो है आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूध लोटावा, पड़ोनी, चढ़ विवाह और लमसेना, यहां इनके विवाह की पद्धतियां हो जाएगी या फिर इनके विवाह के प्रकार हो जाएंगे। इसके बाद इनमें क्या होता है, जो गौंड जनजाति है उनमें जो मृतक रहता है उसको, उसके शरीर को जलाया भी जाता है और दफनाया जाता है, अर्थात ये दोनों करते हैं, दफनाते भी हैं और जलाते भी हैं। तो एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा। अगला जब बात करें इनके प्रमुख पर्व की, तो गौंड जनजाति के कुछ पर्व है जैसे कि बीदरी, बकपंती, हरडीली, नवाखानी, जावरा, मड़ई और छेड़ता। थोड़ा सा याद रखना है इनको, बीदरी, बकपंती, हरडीली, नवाखानी, जावरा, मड़ई और छेड़ता। इनमें जो मड़ई है, मड़ई बहुत ज्यादा फेमस है। एक बार और देख लो, बीदरी, बकपंती, हरडीली, नवाखानी, जावरा, मड़ई और छेड़ता। तो यहां इनके प्रमुख पर्व हो जाएंगे। आगे जब बात करें पेज, पेज जो कि क्या मक्का के द्वारा बनाया जाता है, तो पेज इनका मुख्य भोजन हो जाता है, मक्का और नमक का घोल रहता है, मक्का के आटे नमक का घोल, तो वहां इनका मुख्य भोजन हो जाता है पेज। इसके बाद क्या होता है, इनमें जो स्त्रियां रहती है वो गोदना प्रिय रहती है, अर्थात जो हाथों पे जो खुदाई करवाते हैं वो, तो वहां इनमें बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसके अलावा इनमें स्त्रियां गहने पहनना ज्यादा पसंद करती है। यहाँ जो गौंड जनजाति है इसमें जो स्त्रियां हैं वहां गहने पहनना पसंद करती है। आगे देखें इनमें भी क्या होता है कि मुड़िया जो कि जनजाति है, इस जनजाति के समान इनमें भी घोटुल प्रथा प्रचलित है। क्या है? घोटुल प्रथा। गौंड जनजाति में मुड़ियाओं के समान ही घोटुल प्रथा का प्रचलन है। आगे क्या होगा कि यहाँ जो गौंड जनजाति थी यहाँ दो वर्गों में विभाजित हुई,
दो वर्ग क्या थे, इनके एक थे राजगोंड एक था धूलगोंड। तो जो राजा के शासक थे अर्थात राजा के प्रभाव में आकर जो शासन करते थे उनको बोलते थे राजगोंड, एक होता था धूलगोंड। धूलगोंड क्या थे, सैनिक थे, यहाँ सिर्फ सैनिक थे। तो जो गोंड जनजाति है दो वर्गों में विभक्त थी, राजगोंड और धूलगोंड। तो राजगोंड जो थे वह राजा के प्रभाव में शासक थे और जो धूलगोंड थे, धूलगोंड क्या थे, सैनिक थे। आगे जब बात करें नृत्य की, नृत्य में जब देखें तो गोंड जनजाति के जो नृत्य हैं, सबसे पहले आता आपका कर्मा, यहाँ आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद आता है कर्मा, सेला, भड़ोनी, सुआ, दीवानी, बिरहा, कहरवा, यहाँ जो है ये गोंड जनजाति के प्रमुख नृत्य हो जाएंगे। तो कर्मा, सेला, भड़ोनी, सुआ, दीवानी, बिरहा और कहरवा, यहाँ इस जनजाति के प्रमुख नृत्य हो जाएंगे। इसके बाद एक देखें जो गोंड जनजाति है इनका एक प्रमुख वृक्ष है, तो वो वृक्ष था आपका महुआ का पेड़, काएगा महुआ का, साथ में यहाँ वो शराब पीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस प्रकार आज के इसमें हमने सिर्फ गोंड जनजाति और भील जनजाति दो के बारे में देखा है। अगला जो वीडियो रहेगा उसमें बाकी जो भी जनजातियां हैं वो सारे हम अगले उसमें कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जनजाति वाला टॉपिक है, इसमें भागने से अच्छा है इसको धीरे धीरे कवर करें, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ये जो टॉपिक है इसमें से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, कोई सी भी एग्जाम हो जाएगी उसमें, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए।